नमस्कार, मैं सौरव पूरांजय ज्योतिष से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आने वाला सप्ताह हर एक राशि के लिए कैसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों का मेष राशि, वो अचानक कोई व्यक्ति से मिलने के बाद उसके परिवार में कोई परिवर्तन आ सकता है। इन लोगों के लिए 29, 30, 31 और 1 जनवरी का दोपहर तक अच्छा रहेगा। इन दिनों में इन लोगों के लिए अर्थ प्राप्ति योग दिखाई देता है। 1 जनवरी से लेके शुक्रवार तक इन लोगों के लिए अशुभ होगा। शनिवार से शुभ परिवर्तन दिखाई देता है। जिन लोगों का वृषभ राशि है, उन लोगों के लिए अचानक बदलाव का सामना हो सकता है। वो लोग किसी और की वजह से मानसिक हताशा प्राप्त करेंगे। सोमवार से बुधवार तक इन लोगों के लिए शुभ रहेगा, लेकिन सावधान रहना, शरीर पे आघात पाने की संभावनाएं हैं। गुरुवार को इन लोगों के लिए कर्म क्षेत्र में अच्छा होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार के यात्रा इन लोगों के लिए शुभ नहीं होगा। शुक्रवार को इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, शनिवार को इन लोगों के लिए अशुभ रहेगा। शारीरिक दिक से परेशानियों का लक्षण दिखाई देता है। जिन लोगों का मिथुन राशि, वो लोग किसी भी षड्यंत्र में पड़ सकते हैं। इस वजह से उन लोगों का कर्म क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। रविवार से बुधवार तक इन लोगों के लिए अशुभ, इसलिए थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। गुरुवार से शुभ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। शुक्रवार कार्य में सफलता प्राप्त करने का योग और शनिवार दिन ऐसे जातक के लिए शुभ होगा। कर्कट राशि वाले के लिए रविवार शुभ रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। शनिवार दिन कर्म क्षेत्र और पारिवारिक दिक से शुभ रहेगा। अपने से बड़ा कोई आदमी का सहायता मिलने का संभावनाएं हैं। सिंह राशि वाले के लिए कोई पुराना समस्याएं सामने आने वाला है। रविवार के दिन बहुत कुछ होने वाला है। सोम से बुधवार दोपहर तक शुभ रहेगा, इसीलिए जरूरी काम बुधवार तक कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। बुधवार दोपहर से शुक्रवार तक मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। शनिवार से शुभ परिवर्तन आएगा। जिन लोगों के कन्या राशि है, उनके लिए इस सप्ताह शुभ रहेगा, लेकिन शनिवार को खुद के प्राप्ति से वंचित होने का लक्षण दिखाई पड़ता है। तुला राशि के जातक के लिए मंगलवार तक शुभ नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, बुधवार को कोई लड़ाई या झगड़े में मत पड़ना। गुरुवार को कोई धर्मीय अनुष्ठान पे जाने का संभावनाएं हैं। शुक्रवार से शुभ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वृश्चिक राशि वाले के लिए रविवार तक सारे समस्याएं खुद के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन सोम से शुक्रवार तक इन लोगों को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शनिवार से शुभ परिवर्तन आएगा। धनु राशि वाले के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा। रविवार को शारीरिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कोशिश करना बुधवार तक जरूरी काम को कंप्लीट कर लेने का। मकर राशि वाले, उन लोगों का प्राप्त धन राशि इस सप्ताह में पा सकेगा। रविवार के दिन इनके लिए शुभ रहेगा। सोमवार दोपहर से बुधवार तक थोड़ा सावधान रहना। कोई प्रकार यात्रा शुभ नहीं रहेगा। गुरु और शुक्रवार शुभ रहेगा। शनिवार के दिन किसी भी प्रकार लड़ाई से खुद को बचाए रखना। कुंभ राशि वाले की जिंदगी में इस सप्ताह अचानक कुछ बदलाव होने का संभावनाएं हैं। बुधवार शाम से गुरुवार तक सतर्क रहना जरूरी है। शुक्रवार मध्यम प्रकार आएगा। शनिवार से शुभ परिवर्तन दिखाई पड़ता है।
मीन राशि वाले के लिए सोमवार शुभ रहेगा, इसीलिए कोशिश करना जरूरी काम को सोमवार तक संपूर्ण करना। अपने काम के लिए मंगलवार कोई समस्याएं सामने आ सकता है। गुरु और शुक्रवार शुभ रहेगा, शनिवार के दिन किसी भी ऋण प्रदान करना अनुचित रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज यही तक। अगर आपके जिंदगी में कोई भी समस्याएं है तब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं।